देखिए, पहले तो एग्जिट पोल जिन टीवी चैनल्स ने किया और जिन सर्वे एजेंसियों ने किया, उन लोगों को इस देश की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि उनके एग्जिट पोल ने सबसे बड़ा हेरफेर शेयर मार्केट के अंदर किया, और जिससे आपने देखा कि शेयर मार्केट में कितने लोगों का पैसा डूबा, कितने लोग खरबपति अरबपति बन गए। दूसरा काम क्या हुआ कि प्रशासन तंत्र को, चुनाव आयोग को और जनता को भ्रमित करने का काम एग्जिट पोल ने किया। मैं पिछले 3 दिन से लगातार कह रहा हूं कि एग्जिट पोल के जो नतीजे दिखाए जा रहे हैं ये वास्तविकता से कोसों दूर है। आपने 37% वोट शेयर तमिलनाडु में दिखा दिया, 14% वोट शेयर बीएसपी का उत्तर प्रदेश में दिखा दिया, आपने इंडिया गठबंधन के वोट शेयर तो ज्यादा दिखाए लेकिन सीटें कम कर दी उत्तर प्रदेश में। यह हेरफेर क्यों किया एग्जिट पोल ने? यह समझ से परे 27% वोट शेयर केरला में दिखा दिया। आप बताइए, या ये इस तरह का एग्जिट पोल कोई यकीन करेगा क्या? राजस्थान में 25 सीटें थी, वहां 33 सीट दिखा दिया, हिमाचल में 4 सीट थी, वहां 8 दिखा दिया, उत्तराखंड में 5 थी, वहां पे 6 दिखा दिया। पासवान के बेटे चिराग पासवान 5 सीटों पे लड़ रहे थे, उनको 6 सीट का दिखा दिया जीता हुआ। तो ये एग्जिट पोल अपने आप में एक, इसकी पोल खोल कल ही हो गई थी जब मैंने सारे डिटेल सामने रखे थे, और मैं अभी भी मानता हूं कि अंतिम नतीजे आने तक इंडिया गठबंधन के पक्ष में नंबर आएंगे। अभी जो मेरी जानकारी है वो 255 के आसपास इंडिया गठबंधन की सीटें पहुंच गई हैं, बहुमत से थोड़ा आंकड़ा पीछे है, लेकिन अंतिम काउंटिंग तक नतीजे इंडिया गठबंधन के पक्ष में आएंगे, बहुमत आएगा। दूसरी बात ये कि ये वक्त बहुत निर्णायक है, बहुत महत्वपूर्ण है। अंतिम समय में जब काउंटिंग हो रही होती है उस वक्त छोटे छोटे मार्जिन की जो सीटें होती हैं 2000, 4000, 5000 की, उसमें गड़बड़ी की बहुत संभावना होती है। तो इसलिए जितने भी इंडिया गठबंधन के दल हैं उन सब के कार्यकर्ताओं से, प्रत्याशियों से मैं अनुरोध और विनती करूंगा कि अंतिम वोट गिने जाने तक, यहां तक कि वी वी पैट की पर्चियां और EVM की मिलान होने तक आप डटे रहें मतगणना केंद्रों पर, अपने समर्थकों के साथ, अपने एजेंट्स के साथ, काउंटिंग एजेंट्स के साथ अच्छे ढंग से मतगणना कराइए। और मैं समझता हूं ये एक बहुत बड़े परिवर्तन का संकेत है अब तक के जो नतीजे सामने आए हैं।